की पत्नी से आज हम मुलाकात कराते हैं। जिटकरी गांव के प्रधान संत सिंह को हत्या के आरोप में करीब 2 महीने पहले गिरफ्तार किया गया था। उन पर हत्या का आरोप है। उनकी पत्नी का कहना है कि उन्हें निर्दोष हैं वो और बेगुनाह को फंसाया गया है और चुनावी रंजिश के तहत फंसाया गया है। आइए सुनते हैं उनसे इस बारे में क्या कहना है उनका। जी, मेरे पति को झूठा फंसाया गया है, वे निर्दोष हैं और हमारा इस केस से कोई लेना देना नहीं है। और यहाँ से एक जैसे वर्तमान प्रधान है, प्रधान होने के नाते पुलिस आई और घटना की जानकारी दी है कि गांव में लड़के का मर्डर हो गया है, प्रधान जी वहाँ तक चलना है। तो यही सोच के वे घर से उनके साथ चले गए और यही हमें पता था। और लेकिन हमें बाद में पता चला कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। और गिरफ्तारी के बाद जैसे ही हमें ये लगा कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और हम उनसे मिलने के लिए, हमारा परिवार भी पूरा दिन परेशान होता रहा, हमारे रिश्तेदार भी परेशान होते रहे, गांव वाले भी पूरे परेशान होते रहे। सरधना थाने पे गए, वहाँ पे कोई नहीं मिला और जो है वहाँ किसी ने हमें खबर भी नहीं दी कि कहाँ पे रखा गया उन्हें। हम पूरा दिन परेशान रहे। शाम तक हमें परेशान होने के बाद पता चला कि सरूरपुर थाने पर उन्हें ले जाया गया और ले जाने के बाद दिन में उन्हें टॉर्चर करा गया। क्या उन्हें पुलिस ने टॉर्चर किया? हाँ जी, 3rd degree दी गई उन्हें और टॉर्चर करा गया उन्हें बहुत ज़्यादा। और 2 दिन तक उन्हें टॉर्चर करने के बाद अगले दिन सरधना थाने पर लाया गया, फिर से उन्हें टॉर्चर करा गया और उसके बाद उनका चालान करा गया। और फर्जी गिरफ्तारी पुलिस ने दिखाई कि भोनी चौराहे से 13 तारीख में उन्हें गिरफ्तार करा गया, जबकि सुबह 12 तारीख में घर से उन्हें पुलिस लेके गई। और मेरे बच्चे स्कूल के लिए तैयार हो रहे थे उस टाइम, गांव वाले बैठे थे उनके साथ में बैठे हुए थे, वे घर से ले जाया गया उन्हें। तो आपसे ये जो रंजिश है, लोग मतलब जिन्होंने फंसाया है, क्या रंजिश रखते हैं वो? रंजिश और कुछ भी नहीं, उनके कामों की रंजिश है, क्योंकि वे सबसे अलग हटके काम कर रहे थे अपने गाँव में और उनके कामों की वजह से ही कुछ लोगों के सिर दर्द बना हुआ था कि उनके काम इस तरीके के थे कि सबसे अलग हटके काम कर रहे थे। जैसे कि शौचालय का काम उन्होंने बहुत दिनों से शुरू करा हुआ था, तो 12,000 की बजाय 6,000 से उन्होंने डबल शौचालय बनवा दिए थे अपने गांव में। कुछ गांव वालों की मदद से, कुछ अपने प्रयास से उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद, संघर्ष के बाद ऐसा करा और अपने काम में भी कामयाब भी हुए। बहुत ज़्यादा संघर्ष के बाद हुए लेकिन कामयाब हुए भी। और उसी के बाद जो है ये सिरदर्दी उनके लिए बनी हुई थी। कुछ यहाँ नाले का मसला था गांव में, उसके लिए भी काफ़ी दिनों से कानूनी प्रक्रिया से जो है काफ़ी संघर्ष उनके साथ चला हुआ था और उन्हें दबाने की भी कोशिश करी गई, चुप रहने की भी कोशिश करी गई, गांव वालों का साथ ना दें ये भी उन पर दबाव बनाया गया, लेकिन फिर भी वे सही का साथ देते रहे और खड़े रहे। तो आप क्या चाहते हैं, मतलब उनके कोई जांच चाहते हैं या उनके लिए मतलब निष्पक्ष कोई पैनल बैठे, क्या करें आप मतलब? हाँ जी, मैं यही चाहती हूँ कि निष्पक्ष जांच हो इसकी और जो है निर्दोष, मेरे पति निर्दोष है और उनकी जो है सही जांच हो और जो दोषी हैं उन्हें सजा मिले। बहुत बहुत शुक्रिया।